मुरद साहब नंबर्स के बारे में बताइएगा, नंबर पूरे हैं मुस्लिम लीग आपके और पीटीआई के? कल आपने खुद नहीं गिने जी, गिने थे लेकिन एक बार फिर बता देंगे पूरे नंबर्स आ रहे हैं इंशाल्लाह, बल्कि ऊपर होंगे अल्लाह के फजल से। अच्छा मोनिस भाई, एक जरदारी साहब की जानिब से मोनिस भाई एक मिनट मोनिस भाई, एक जरदारी साहब की जानिब से चौधरी परवेज भाई को ये कहा गया था कि इमरान खान के उम्मीदवार से दस्तबरदार आप नहीं होते तो ये मेरी और आपकी जाती लड़ाई है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो खुली खुली धमकी नहीं है। मेहरबानी, और कोई मंसूबा इस हुकूमत अमली से निपटने के लिए? काम नहीं आ रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह अभी मलक उमर फारूक साहब के साथ हम खड़े हैं, फैसलाबाद के हीरो हैं, फैसलाबाद की शान है, और इंशाल्लाह इनकी साथ के साथ और इनकी भागदौड़ के साथ चौधरी परवेज भाई साहब थोड़ी देर बाद 190 के करीब वोट लेके पंजाब असम्बली में पंजाब के नए वज़ीर-ए-आला मुंतखब होंगे। आसिफ जरदारी और आले शरीफ की हर किस्म की फौज धांधली और गुंडागर्दी, उसके बावजूद इंशाल्लाह पीटीआई के मेंबरान असेंबली चटाल की तरह डटे रहे अपने लीडर इमरान खान के साथ, और इंशाल्लाह आज उनको के मेहनत का समर और फल मिलेगा। बच्चा ये बताइए कि पंजाब असेंबली के इजलास के लिए आज जो वजीर आला का इंतखाब होना है, इंतजाम मुकम्मल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक कल डिप्टी स्पीकर साहब ने एक खत लिखा और 22 जुलाई का आज के इजलास को अज्यूम करके 21 जुलाई को जो मंजरकशी की है, वो क्या मामला था उसका? तो फिर वो ही बता सकते हैं, मैंने भी वो सुबह पढ़ा लेटर, चैनलों में देखा, उसका वो जवाब दे सकते हैं। उसकी हैसियत क्या है लेटर की, क्या सोचते हैं आप? अभी देखें 4 बजे इजलास शुरू होना है, लेटर कल लिखा गया कि इजलास में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, पुलिस भेजी जाए। अगर आपने वही कहानी रिपीट की फिर क्या करेंगे, आपका रद्देमल क्या होगा? मैं कानूनी जो चारा जो यूज करेंगे। बैसीयत रुकन है सूबाई असम्बली पंजाब, मैं सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू।